आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से जो है यूथ, जो कांग्रेस विंग है, एक यूथ कांग्रेस विंग की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और ये बैनर जो है आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर जो है फाड़ा गया और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया आम आदमी की पार्टी के अगेंस्ट। और अभी जो है हमारे साथ में यूथ विंग जो है आम आदमी पार्टी जम्मू का, वो हमारे साथ में बात करने के लिए है। रिएक्शंस जो आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, आज आपके ऑफिस के बाहर खूब हंगामा हुआ और खूब इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आपके जो है आप जो वादे करते हैं, जो सिक्योरिटी के वादे करते हैं वो? सबसे पहले आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर किस किन किन लोगों के पास सिक्योरिटी है इस समय? ये जो सारा मसला है, जो हमें सबसे पहले तो बड़ा दुख है, जो ये कल सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, इसका कोई भी इसको ये नहीं बोलेगा कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। लेकिन ये इंटर गैंग राइवलरी का मसला है, इसमें डीजीपी जो पंजाब हैं उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये इंटर गैंग जो राइवलरी था उसका मसला है। और दूसरी तरफ जो इनका जो मैनेजर है सिद्धू मूसेवाल का, शगुनप्रीत, वो तो ऑस्ट्रेलिया दौड़ गया और उसका नाम इन्वॉल्व हुआ था ऐसे साल पहले, वो जो विक्की मधु खेड़ा उस मर्डर केस में उसका नाम आया था। तो ये साफ साफ जो इंटर गैंग राइवलरी का मसला है, इसमें भगवंत मान जी ने ये जो आरोप लगा रही है, जो ये कांग्रेस के गुंडे आए थे यहाँ पर और उन्होंने आकर ये यहाँ पर तोड़फोड़ की है। डेमोक्रेसी में सबको हक है अपनी बात रखने का, लेकिन उसका एक तरीका है, एक सलीका है, और यही जो कांग्रेस का सलीका था इसकी वजह से पंजाब में इनको बाहर निकाला पंजाब के लोगों ने। मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे कि ये जो मर्डर हुआ उनका, उनको दो गनमैन तो थे और उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, लेकिन वो उनसे मिस्टेक हो गई, वो उनको साथ नहीं लेके गए और उन्होंने रैकी की थी पूरे गैंग ने। और फिर इसमें हाथ आया है लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय है राजस्थान जेल में है और वहाँ पे हुकूमत जो है कांग्रेस की है। मैं पूछना चाहता हूँ ना आज कांग्रेस की हुकूमत से, अशोक गहलोत जी को रिज़ाइन देना चाहिए कि मुझे बताइए, इतना आप प्लान करते हो किसी चीज़ को, हैं एक बंदे को आप मतलब मरवा देते हो और एक जो जेल से एक ऑपरेशन चलता है और जिसमें सिद्धू मूसेवाल की अगर हत्या हो जाती है और राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, तो आज कांग्रेस मुझे जवाब दे ना, सबसे पहले तो अशोक गहलोत जी को देना चाहिए रिज़ाइन। और ये उल्टा बात करते हैं, भगवंत मान जी ने तो साबित किया है, उन्होंने वीवीआईपी कल्चर वहाँ पर ख़त्म किया, उन्होंने वहाँ पर जो जितनी पेंशन थी, जो इनकी चार चार पाँच पाँच पेंशनें थी, वो उन्होंने बंद करवाई हैं। ये बेसिकली बौखला चुके हैं, जितनी भी ये पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, जितनी भी अपोजिशन है आम आदमी पार्टी की, वो इस समय बुखला चुकी है। और मैं कहता हूँ ये इनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि ये एक मौत पे ये सियासत कर रहे हैं, इस समय मौत पे सियासत करने का वक्त नहीं था। इस समय हमें मिलकर इस चीज़ को देखना चाहिए और परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए कि जो ये हत्या हुई है, आगे से ऐसी कोई हत्या ना हो, पंजाब में क्या पूरे देश में ना हो। और भगवंत मान जी ने वहाँ पर ये एश्योरेंस दी है कि जो जो भी कातिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो पीछे कातिल रहे हैं या जो आगे आएंगे किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी ये हमारा इम्तिहान की घड़ी है, हमें अभी पहले तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ही नहीं, ये लोग ये सोचते हैं कि शायद ये डर जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले और ये घबरा जाएंगे, हम घबराने वालों में से नहीं है। हमने जब ये सहरा इनकलाब जिंदाबाद का जब ये नारा लगाया था तो इसीलिए लगाया था कि हमें घबराना नहीं है और ये जो गंदगी इस पूरे देश में है उसको साफ़ करना है। और मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस के ये जो गुंडे यहाँ पे हैं जिन्होंने आके ये तोड़फोड़ की है, हम उनके खिलाफ जो है वहाँ पर FIR लगवाएंगे। आप आते यहाँ पर प्रोटेस्ट करिए, कोई बात नहीं, करते हैं, हम भी जाएंगे कल को कांग्रेस के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट, लेकिन वहाँ पर जाके उनके इस तरह से बोर्ड नहीं हम उखाड़ेंगे, गेट पे चढ़ के हम शोर शराबा नहीं करेंगे। और उन्होंने और भी बड़ा कुछ बकवास किया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको समझाएं, इस तरह से राजनीति नहीं की जाती है, राजनीति का है। और कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं, हम तो नए हैं, वो तो पुरानी पार्टी है 70 साल, क्या उनको यही शिक्षा दी है उन्होंने? इसलिए सबसे जो मेन बात यह है कि हमें इस समय वो जो शहीद हुए हैं हमारे, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हम ये एश्योरेंस देते हैं जम्मू से भी आम आदमी पार्टी और पंजाब वाले भी, जल्द से जल्द इस पर आप देखिए कार्रवाई होगी, DGP साहब ने कल से ही इस पर शुरुआत कर दी है। चलिए, ये इनका भी यही कहना है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? देखें, जिस तरह से अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि जिस तरह का यहाँ पे मंजर था, और जो आप पोस्टर देख रहे हैं मेरे पीछे के, जिस तरह पोस्टर के साथ जो लाठियाँ बरसाई गई हैं, तो और इसे साफ ये लगता था कि अगर शायद
कोई पार्टी का आदमी यहाँ होता तो इन्होंने लाठियाँ उसके सर पे भी बरसा दी होती। हम लोग डिसेंट सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, इसलिए हम लोग अपने अपने साइड पे हो गए कि भैया इन लोगों से हम लोग नहीं कर सकते, उलझ नहीं सकते। अभी क्या हो गया है, ये मुद्दों को जो सियासत कर रहे हैं ना, ये जो बॉडीज़ पर, डेड बॉडीज़ पर या बाकी सब चीज़ों पर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मुल्क में हालात हैं, जो मुल्क में बेरोज़गारी है, जो मुल्क में कत्लोगारत है, जो मुल्क में दंगे हैं, जो मुल्क में फसाद हैं, आप उसके लिए इस तरह से जाके बड़े दफ्तरों के आगे जरा लाठियाँ बरसाइए और मांगिए रेजिग्नेशन। मांगिए रेजिग्नेशन उन लोगों से जिन लोगों ने मुल्क की ये हालत कर रखी है, जिन लोगों की वजह से मुल्क में जो है आज सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, मांगिए ना उनसे रेजिग्नेशन। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं सिविलाइज्ड लोग हैं, आपको पता है ये जो है एजुकेटेड लोग हैं, आपको पता है ये विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं, इसलिए जो है आप इनको लाठियां बरसा के जो है डराने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से बीजेपी के लोग, एक एमपी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाता है, उसकी जान लेने की कोशिश करता है अरविंद केजरीवाल जी की, मतलब इस तरह आप देखते हैं। दूसरी तरफ से ये दूसरे गुंडे हैं जिन गुंडों ने, आप देखिए इस ऑफिस का क्या हाल कर दिया, और यहाँ पे गेट पे चढ़े हुए थे, ये तो शुक्र है यहाँ पे कोई नहीं था, हमारे जवान तो भी यहाँ थे। नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, देखिए नॉन वायलेंस की बातें हैं जनाब, नॉन वायलेंस कहाँ, वायलेंस हुआ नहीं क्या आज तक कांग्रेस की हुकूमत में? कितना वायलेंस हुआ इलेक्शन रिगिंग से लेकर 87, ये सब नॉन वायलेंस है। अगर ये नॉन वायलेंस होता तो आज जम्मू कश्मीर की यह हालत होती? तो हम लोग इन लोगों के आज जो है ना, ये अपना प्रदर्शन जो इन्होंने किया है, ये इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी हकीकत और अपनी असलियत जो है वो लोगों के सामने लाई है। लेकिन करेंगे भी ना, क्योंकि आपने तो अश्योरिटी दी है, आपने कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे जम्मू कश्मीर के अंदर भी। अब लोग, आप जब आप लोगों के पास जाएंगे तो वो भी ये पहला सवाल यही करेंगे कि आप तो सिक्योरिटी दे नहीं पाते और वोट मांगने आ गए। देखें हम बिल्कुल समझते हैं जो कुछ हुआ है, जिस तरह से ये गैंगस्टर जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम जिस तरह से आप यूपी के अंदर देखिए, आप देखिए कि एक तरह का माहौल इस तरह का कि पुलिस को भी एक गुंडे की शक्ल में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अभी माहौल मुल्क का देखिए ना, हम क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बदलने की कोशिश, माहौल को बदलने के लिए तो वहाँ पे बिल्कुल आम आदमी पार्टी को लाया पंजाब के, बिल्कुल कोशिश है। लेकिन आपको बताया कि सिक्योरिटी थी, कमांडोज थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन वो उनके साथ में नहीं थे, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक कुछ कोताही है, हम समझते हैं। हमें बहुत अफसोस है, एक आइकन थे, बहुत बहुत जो है इंस्पायरिंग थे, बहुत से लोगों को जो है उन्होंने इंस्पायर भी किया, लेकिन जो कुछ हुआ वो इनकी गंदी सियासत और गंदी पॉलिसीज़ का नतीजा है, जिन्होंने इन गैंगस्टर आम आदमी पार्टी, नहीं मैं बता रहा हूँ किसकी, जिन्होंने ये बीज डाला, नहीं आज की बात कर रहा हूँ, ये बीज है। देखिए पेड़ फल कब देता है, जब पहले बीज पड़ता है, फिर पेड़ बनता है, फिर पत्ते निकलते हैं, फिर फल आता है। ये जो फल है ना, ये पॉलिसीज, आज जो किलिंग्स जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, ये पेड़ लगाया गया 90s में है। आज जो मूसेवाला की साथ जो कुछ हुआ, ये पेड़ बहुत पहले लगाया गया था, इसका फल आप देख रहे हैं अब। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि पेड़ आम आदमी पार्टी ने लगाया, ये तो फल गिरा ना आम आदमी पार्टी के सर पे, पेड़ का रक्षा करना तो बिल्कुल कोशिश हो रही है। हम VIP कल्चर को खत्म करें, आप मानते हैं कि आपको वहां पर जो है विफल हुए हैं आप, विफल नहीं है, कोशिशें हैं, सिक्योरिटी देने में विफल हुए। अगर आप इस कंपैरिजन में विफल अगर आप जाते हैं, हमने बताया आपको सिक्योरिटी थी, दो कमांडोज थी, अगर आप इनको विफल कहते हैं, कम कर दिया गया, अगर आप इसको विफल कहते हैं, अगर आप इसको विफल कहते हैं, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में बीजेपी को ऊपर से नीचे तक जो है वो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। वो तो विफल है बिल्कुल, हर तीसरे दिन किलिंग होती है भैया, जम्मू कश्मीर भी तो मुल्क का ही हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर भी तो मुल्क का हिस्सा है, तो अगर यहाँ की किलिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा या उनको नहीं दे रहा, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर कहाँ से ये जिम्मेदारी आयत हो जाती है? ये तो वो बीज हैं जो आपने बोए हैं, जो पेड़ आज बना है उससे ये फल गिर रहा है और ये भुगत रहे हैं। हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, VIP कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लोगों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैंगस्टरवाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रग्स पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं हम समझते हैं, कंडेम करते हैं जो कुछ हुआ, और एक्शन की गारंटी है, और आप देखेंगे एक्शन भी होगा। एक्शन के लिए उन्होंने ये कहा है कि CM वहाँ के जो है पद से अपने जो है इस्तीफा दे। कौन कह रहा है एक्शन? ये कांग्रेस के आज सियासत है ना, ये तो सियासी बयान है, एक्शन वो नहीं होगा। CM पद से क्या उनके किलर्स को सजा मिल जाएगी? CM छोड़ देंगे तो ये आगे क्या किलर्स को सजा देंगे? क्या इन्होंने इससे पहले के किसी किलर को सजा दी है? क्या इन्होंने आज से पहले किसी भी जुर्म करने वाले को सजा दी है? हाँ, NIA की जांच की मांग की गई है उनके घर वालों की तरफ से कि इसमें कोई साजिश है। देखिए जांच हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसको दिक्कत है? और कार्रवाई भी होगी,
और एक चीज़ याद रखिए कि आम आदमी पार्टी जो है कार्रवाई करने में सबसे ऊपर है और सबसे पहले है, ये आप समझिए। इससे पहले आपको एग्जांपल दी, एक मिनिस्टर को सैक किया गया, वहीं एक मिनिस्टर का बच्चा जो है किसानों को रौंद देता है और उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको हीरो बनाया जाता है, और हमारा आदमी जब सिर्फ सुनी सुनाई 1% पे जो है उसको सैक कर दिया जाता है। ये आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में डिफरेंस है, और इस पर भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रहा है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस तरह वो लोग जो है सलाखों के पीछे होंगे, और जो ये सियासत करना चाहते हैं लाशों के ऊपर जो उन्होंने पहले से की है, ये सियासत, ये सिलसिला जो है आम आदमी पार्टी एक दिन इस मुल्क से ख़त्म करेगी। चलिए, तो इल्ज़ाम जो है कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे, और बहुत विपक्षी पार्टी जो है उन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया है इनके ऊपर, और ये सफाई देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपने सफाई में सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और सुलिंदर परिहार को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, फिर किसी और ख़बर के साथ ज़रूर जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।